अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम के हवाले से एक नाकाबिले फहम बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा अफगानों का भी है, जिसमें मुल्क भर में बहुत ज़्यादा इस बयान पर तनकीद की जा रही है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान की जो सरहदें वजूद में आई थी उनकी कोई अहमियत नहीं। ड्यूरेंट लाइन के हवाले से यही बात तो अफगान हुकूमत भी कहती है, तो क्या महमूद खान अचकज़ई की जो हमदर्दियां हैं ये पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ हैं। वज़ीर आला परवेज़ खटक भी ये कहते हैं कि इस बयान से महमूद अचकज़ई ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए हैं। पंजाब असम्बली ने भी आज इस हवाले से मजम्मती करारदाद मंजूर की है। याद रहे कि वज़ीर आज़म ऑफिस के ऐलामे के मुताबिक जो रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हैं इनके पाकिस्तान में क़याम में 6 माह की मजीद तौसी कर दी गई है, जिस पर KPK की जो हुकूमत है बहुत नाराज़ है क्योंकि ये महाजरीन मजीद 6 माह पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर बोझ बने रहेंगे, जिनकी मेज़बानी हम गुज़श्ता 35 सालों से कर रहे हैं। आखिर बदले में हमें मिला क्या? क्लैशनकोव, हीरोइन कल्चर और दहशतगर्दी के तहाइफ। हाल ही में होने वाले तुरखम बॉर्डर वाक़े से भी मुल्क भर में अभी तक शदीद गमो गुस्से की लहर है कि लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी का हमें यह सिला मिला है। अगर इस तनाजुर में अगर KPK की हुकूमत अफगान महाजरीन का मजीद बोझ उठाने को तैयार नहीं है तो इसकी ठोस वजूहत हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई महाजरीन के हक में ऐसा बयान देते हैं जो बिला जवाज और इश्तियाल अंगेज़ है। यहाँ अहम सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान ने काबुल की मर्जी के बगैर इन महाजरीन को वापस भेजने की कोशिश की तो क्या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, और क्या पाकिस्तान 4 दहाइयों से बसने वाले इन अफराद को वापस भेजने में कामयाब भी हो पाएगा या नहीं। उधर अमरीकी सैनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन सैनेटर जॉन मेकेन ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान कामयाब और ओबामा नाकाम है। क्या इसका मतलब लिया जाए कि अफगानिस्तान में अमरीका की शिकस्त हो चुकी है? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक अजीब व गरीब बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बयक वक्त कई ताकतें काम कर रही हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आती कि मुज़ाकरात किसके साथ किए जाएं, हुकूमत के साथ बात करें या किसी और के साथ। नरेंद्र मोदी की हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात से बचने के लिए मुख्तलिफ बहाने तराशे जा रहे हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात ना करने का एक नया बहाना है कि पाकिस्तान में जो इख्तियार है ये हुकूमत के पास नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के पास है? मुशीर खारजा सरताज अजीज़ पहले ही ये वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो भी खारजा पॉलिसी बनती है इसमें इस्टेब्लिशमेंट की राय भी शामिल होती है। यानी पाक भारत मुज़ाकरात होते तो हैं, पाकिस्तान की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स का हुकूमत को मुकम्मल तआवुन हासिल होता है और नवाज़ हुकूमत भारत के साथ जो भी मुआहदा करेगी इसकी माजी की तरह पासदारी की जाएगी। पाकिस्तान हमसाय ममालिक से पुरम ताल्लुकात के लिए मुज़ाकरात के लिए हमेशा से तैयार रहा है, लेकिन सरताज अजीज़ ने यह वाजे किया है कि भारत से मुज़ाकरात हुए तो सरफहरिस्त जो है ये कश्मीर का एजेंडा होगा और इस पर कोई भी भारतीय डिक्टेशन कबूल नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने आखिर ये बयान क्यों दिया और क्या भारतीय सरकार दुनिया को अपनी अम परस्ती दिखाने के लिए दोबारा पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कोई पेशकश कर सकती है? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं से और कराची से हमारे साथ जफर हिलाली साहब मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच साहब। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब, अफगान महाजरीन की जो वापसी है ये बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। सबसे बड़ी पहली गलती तो ये हुई कि महाजरीन को धड़ाधड़ आने दिया गया जब जंग शुरू हुई, उसके बाद इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी। आज इन महाजरीन को निकालने की बात की जा रही है, महाजरीन की तादाद यहाँ पर लाखों में है। KPK हुकूमत इन्हें अपने वसाइल पर बोझ करार देती है, कहती है कि जो जिन रोज़गार पर वो काबिज़ हैं वो हमारे अपने लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। तो आखिर ये जो महाजरीन की वापसी का मसला है ये कैसे हल होगा? क्या ये मसला बहुत पहले ही हल नहीं हो जाना चाहिए था, जो आज ये तासुर उभर रहा है कि शायद पाकिस्तान ज़बरदस्ती महाजरीन को वापस भेजना चाहता है? पहले बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जब एक सिक्योरिटी सिचुएशन एक मुल्क में तबाह हो गया है और उधर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कहना कि हम रोक सकते थे तो एक ही तरीका है रोकने के लिए, और वो तरीका जैसे यूरोप में कि भाई गोली चलाओ या मरने दो उनको। माने कि ये तो हम ये दोनों चीज़ें हम तो नहीं कर सकते हैं ना, हमारे में ये बिल्कुल नहीं हम कर सकते हैं कि ना उनको हम रोक सकते हैं
इसलिए कि अगर रोकें तो उनको मारें और ना हम उनको फोर्सिबली रिपैट्रिएट कर सकते हैं, इसलिए कि दैट्स नॉट ऑन, वो मॉरली अनएक्सेप्टेबल है। मगर उसके दरमियान बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि इतना हमारी जेनरोसिटी, पाकिस्तान का दिल और पाकिस्तानियों का दिल इतना बड़ा है कि कभी बेमिसाल है कि 2-3 मिलियन रेफ्यूजीज इधर आए और हम उनको रहने दें, घर दें, पैसे दें, उनको नौकरी, 1 मिलियन 10 लाख जॉब्स अफगानों के पास है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो सब नौकरी जो है पाकिस्तानियों के होना हो सकता था, मगर हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा जो जेनरोसिटी है इट्स मैचलेस, इसलिए मैं समझता हूं उसको तो हम बिल्कुल खराब नहीं कर सकते हैं, वो एक इंप्रेशन है। और अगर ये अफगान हुक्मरान ना माने, कारजाई ना माने, हालांकि 12 साल इधर गुजारा था, दूसरे लोग हैं जो वो मानते हैं और इंशाल्लाह वो एक दिन सोचेंगे कि ये वाकई हमारा ब्रदरली कंट्री है। मगर इसका हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और खासतर महमूद अचकजई साहब जो 30 साल इस मुल्क का नमक खाया है, 30 साल नमक खाया है, और उनको ये जाके कहना कि ये जो ये है हमारा प्रोविंस एक्चुअली वो अफगानिस्तान का है, देखिए उनका एक्सप्लेनेशन कि मैंने ये नहीं कहा, मैं एक हिस्टोरिकल टर्म, वो भी झूठ था, इसलिए कि जिस वक्त वो डिनाई कर रहे थे दूसरे चैनल पे उनका नंबर 2 आके वही कह रहा था जो वो कह रहे थे। अब आप सोचिए कितना अपसर्ड सिचुएशन है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में एक दिन था, एक जमाने में अफगानिस्तान का टेरिटरी था, तो आपको पता है कि काबुल जो था एक जमाने में रंजीत सिंह और पंजाब का टेरिटरी था। बिल्कुल, इसका मतलब क्या कि जितने सिख हो अफगानिस्तान में वो आके लाहौर में बस जाएं और कहें ये हमारा हक है, ये हमारा एक जमाने में ये हमारे एक हमारा मुल्क था, या अगर हिंदुस्तान ऐसी बात करें वो सब सिखों को कह दे कि आके इधर रह जाओ, या पश्तून जो हैं लंदन में वो आके पाकिस्तान को कहें हम आके इधर बस सकते हैं इसलिए कि ये हमारा हक है। ठीक है, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ठीक है, एब्सोल्यूट नॉट। शाहिद लतीफ साहब, अफगानिस्तान को तो अरबों डॉलर की इमदाद भी मिल रही है, अब वो अवामिल, जंग के अवामिल भी खत्म हो चुके हैं जिसकी बुनियाद पर मुहाजरीन पाकिस्तान आए, हमने 30-35 साल उनको होस्ट किया, उनकी मेजबानी की, क्या अफगानिस्तान को बाइज्जत तरीके से उनको वहां बसाने के, वापस लेके जाने के इकदाम करें? आज अगर हम उनको वापस भेज रहे हैं, ये जो 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 एक तबका 30-35 साल पाकिस्तान में रह चुका है, जिनका रोजगार यहाँ से जुड़ा है, वो कैसे जाने पर राजी हो जाएंगे? और अगर हम उन्हें जबरदस्ती भेजेंगे तो आप नहीं समझते कि इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा होगी? देखें जी, इस तरह की बातों उसूलों की बुनियाद पर की जाती है ना। कौन सा दुनिया का हिस्सा है जहाँ मुहाजरीन अगर कहीं दूसरे मुल्क में जाएं तो वो फिर 3 दहाइयों से भी ज़्यादा एक मुल्क का हिस्सा बन जाएं? आप देखिए अभी हालिया दिनों में यूरोपियंस जो हैं वहाँ पे चीखों पुकार क्यों हो रही है, वो जो महाजरीन का उनके सामने एक मामला उठकर आया है, ख़ासकर वो जो शाम से बहुत सारे महाजरीन जो हैं यूरोपी ममालिक की तरफ गए, हालांकि उस मुल्क में किस हद तक इंतशार फैला हुआ है और कितने मुश्किल हालात हैं, और उसके बावजूद वहाँ पे कितनी आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये तो तकरीबन 3.5 दहाइयों का मामला है, और हम 3.5 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी उनकी एक नई जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। देखें इन मामलात को, अभी जो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि 10 लाख जो नौकरियाँ हैं वो हमारी नौकरियां हैं जो अफगान महाजरीन के हवाले हमने कर रखी हैं, तो वक्त के साथ साथ क्या पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है, इतने इसके वसाइल हैं कि 3-3.5 मिलियन महाजरीन जो है उनका बोझ वो हमेशा के लिए बर्दाश्त करता रहे? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें यह बात नहीं है कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी हो जाएगी, अफगानिस्तान को ये बात समझना होगी, हमारी इकॉनमी, हमारे वसाइल जो हैं इस सारी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने उनके साथ भाइयों का सलूक किया और बड़ी अच्छी उनकी मेहमान नवाजी की, और बावजूद इसके कि बहुत सारे अफगान महाजरीन जो हैं वो यहाँ जुराइम का हिस्सा बने रहे और जो दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे, उनके मावनकार दहशतगर्द जो अफगान
अफगानिस्तान से आए वो भी बने, सहूलत कार बने, मैं इन सारी चीज़ों को हमने बर्दाश्त किया। अब जब हम हकीकत की हैं कि हम इनको मजीद एक अपने ऊपर बोझ बनाकर नहीं रख सकते, तो अफगानिस्तान का फर्ज बनता है कि वो वापस लेकर जाए। मगर दुख हमें इस बात का है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, शायद लतीफ साहब बात समझ में आनी चाहिए ना, महमूद अचकज़ई साहब असल बात, अफगान असल बात में यही इतनी मोहब्बत क्यों जाग रही है, उन्होंने ऐसा ऐसा बयान क्यों दिया कि उन्हें यहीं पर रहना चाहिए, मुझे इस पर भी बात करनी है, इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद वफाकी वजीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर बलोच साहब। पाकिस्तान में एक तबका ऐसा मौजूद है जो इस हक में है कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान की शहरें देकर यहीं रखा जाए, क्योंकि वो पिछली चार दहाइयों से यहाँ पर बस रहे हैं, यहाँ से उनका रोजगार जुड़ा है। आप महमूद अचकज़ई साहब के बयान को ही देख लीजिए, केपी के हुकूमत उन्हें अपनी तरह अपने ऊपर एक बोझ समझती है, वफाकी हुकूमत ने उनके क्याम में 6 माह की तौसीक कर दी है, ये अफगान महाजरीन की वापसी का मसला हल कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी बात यह है कि जहाँ तक महाजरीन का ताल्लुक है, जिस वक्त उनकी कैटेगरी महाजरीन की रहती है तो उनको अपने पॉपुलेशन के अंदर अब्जॉर्ब करने की कानूनी गुंजाइश नहीं होती है। महाजर चाहे जितना अरसा भी रहे, महाजर होता है और उन्होंने अपने मुल्क में जाना होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये 30 लाख के करीब है, 50 लाख से शुरू हुए थे, 20 लाख के करीब वापस जा चुके हैं। 30 लाख की लोगों को यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लेना, हमारी इकानमी में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इनको अब्जॉर्ब कर सकें, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हमारे मुल्की कवानीन इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। कई मुल्कों में ड्यूअल सिटीजनशिप की गुंजाइश होती है, कई मुल्कों में ये कानून भी होता है कि कोई आदमी अगर उस मुल्क में उसकी पैदाइश हो तो उनका हक बन जाता है, जिस तरह यूके है, यूएसए वगैरह में। हमारे मुल्क में इस किस्म का कोई कानून नहीं है, कोई भी आदमी अगर एलियन है, किसी और मुल्क से उसका ताल्लुक है, वो गैर मुल्की रहता है, हमारे कवानीन इस बात की गुंजाइश नहीं देते, उसकी जो है ना गुंजाइश नहीं है। और फिर हमारे साथ यूनाइटेड नेशन की और अफगान गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट थी कि वो इनको वापस ले जाएंगे, उनको या अब्जॉर्ब कर लेना, हमारे माशरे का हिस्सा बना लेना पाकिस्तानी, इसकी गुंजाइश नहीं है और ना इस किस्म के ट्रीटमेंट उनसे की गई है। रह गया जहां तक खान साहब की बात का, उनका एक व्यू पॉइंट है, वो अफगान कौम से एक ताल्लुक और एक उसका व्यू पॉइंट है, वो इनका सियासी व्यू पॉइंट है, उनका अपना जाती है, लेकिन वो भी पख्तून है। लेकिन उनकी हमदर्दियां तो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए ना, पाकिस्तानी सरजमीन के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तानी वसाइल। वो पाकिस्तानी है, उसको इतना अच्छा मोहब्बतन पाकिस्तानी समझते हैं जितना मैं अपने आप को समझता हूँ। उनके व्यू पॉइंट के साथ मैं बगैर कमेंट किए इसको वहीं पर छोड़ दूंगा, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे एलाइज हैं और हुकूमत का हिस्सा है, यहाँ पर भी हमारी हुकूमत। अच्छा, 6 माह की वफाकी हुकूमत ने अफगान महाजरीन के क्याम में तौसी की है, तो 6 माह के बाद आप समझते हैं वो वापस चले जाएंगे? आप लोग क्या ऐसे इकदाम करेंगे 6 महीने के बाद के वो आसानी से वापस चले जाएं, जिनका रोजगार जुड़ा है, जो चार दिहाइयों से यहाँ पर बस रहे हैं, या अफगान हुकूमत के साथ आप लोगों की जो बातचीत होगी, अफगान हुकूमत को इकदाम करेगी इन्हें वापस ले जाने के लिए? जी जी बिल्कुल, बीबी आपने सही कहा, अफगान हुकूमत ने काफी कुछ करना था अफगानिस्तान में, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी एंकरिंग वहाँ पॉसिबल होता, इनके ऊपर पुल काज होना था, उस तरफ खींचे चले जाते। उन्होंने हमारे साथ बड़े कमिटमेंट्स किए, उन्होंने कहा हम हाउसिंग स्कीम्स वहाँ पर बनाएंगे, हेल्थ की फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई का करेंगे, लैंड लेवलिंग करेंगे, ट्यूबवेल सिंक करेंगे, और इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जॉब्स वहाँ पर 10% इनके लिए करेंगे। ये कमिटमेंट पिछले 2 साल से वो किए जा रहे हैं, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है। तो इस वजह से इनकी पहली डेडलाइन जो थी 31 दिसंबर 2015 था, वो खत्म हो गया। उसके बाद 6 महीने की एक्सटेंशन, फिर 6 महीने की एक्सटेंशन हम दिए जा रहे हैं इनको, लेकिन अभी हम यही है, उनका वजीर आ रहा है हमारे पास 19 जुलाई को, इसके बाद जो और कितने 6 महीने तो चलेंगे, या काबुल की मर्जी के बगैर ही हमें वापस भेजना पड़ेगा? एक मिनट तो ये वो आएंगे, उनके ऊपर एम्फसाइज करेंगे ग्राउंड कुछ करें और अपने लोगों को, हमारी अब तक कमिटमेंट ये है कि वॉलंटरी तौर पर इनको रजाकाना तौर पर वापस भेजेंगे, इज्जत के साथ वापस भेजेंगे। ये एक कमिटमेंट 2009 में हमने की थी, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, और अगर वहाँ वो कुछ भी नहीं करते हैं तो हमें इस कमिटमेंट से भी निकलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो भी तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं इख्तियार करेंगे, ये यकीनी इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये बोझ जो मजीद बर्दाश्त होने के काबिल नहीं है, इसको उतारा जाए और इनको
इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपकी बातों से तासुर ये उभर रहा है कि शायद हमें जबरदस्ती ही भेजना पड़े, क्योंकि 2009 से हमारी कमिटमेंट और काबुल ने कभी भी इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अभी इस स्टेज के ऊपर जबरदस्ती वाला लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा कि हम अफगान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहेंगे वो दरमियान में आ जाएं और अपने तौर पर भी, अपने सियासी तौर पर भी कोशिश करें कि ऐसा प्रेशर बिल्ड करें कि ये वॉलंटियरली रजाकारा तौर पर वापस चले जाए। अगर नहीं गए तो फिर मिल बैठना पड़ेगा, सर जोड़ने पड़ेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी जाना पड़ेगा, अफगान गवर्नमेंट से भी बात की करनी पड़ेगी और वो जो शिक है रजाकारा तौर पर वापसी वाला उससे फिर हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर बलोचा। फिलहाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कभी नहीं वापस जाएंगे इसलिए कि सिक्योरिटी सिचुएशन उधर खुदा जाने कब ठीक होगा, और दूसरी बात है अफगान की इकोनॉमी तबाह हो गई है। अफगानिस्तान जी एक स्टेट नहीं रहा, अफगानिस्तान बड़े हिस्से में बट गया है। 50% जो मुल्क है वो तो गवर्नमेंट ऑफ काबुल के हाथ में ही नहीं है, वो तालिबान के हाथ में है। तो इधर ये कभी ऐसे सिचुएशन नहीं आएगा कि ये वॉलंटरीली वापस जाएं। चलो अगर हमने इनको फॉसिबली नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम हम इनको ठीक से निगाह तो रखें इनके। इस वक्त रोर एनडीएस और हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आईएस, ये सब मिलके रिक्रूट कर रहे हैं ये रेफ्यूजीज को, और आधा जो इधर ये हो रहा है टेररिज्म पाकिस्तान में, ये इनके हाथों से हो रहा है, नंबर वन। दूसरी बात है तो चलो ईरान की तरह कम से कम आप इनको कैंप्स में रखें, इनको पुलिस करें, इनको हर जगह घूमने ही नहीं दे। और हां, अगर आपको एक स्पेशल टैक्स लेवी करना पड़ता है पाकिस्तानियों पे कि हम इन भाइयों को खाना वाना भेजें तो करें, इसलिए कि ये जो तरीका है आप उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, जिधर भी वो जा सकते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन सकते हैं, कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अंदर जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं, इसलिए नहीं। लेकिन क्या लाखों की तादाद में, 30 लाख उन्होंने बताया, इतनी तादाद में शाहिद लतीफ साहब मौजूद है यहाँ पर, क्या इतने लाखों की तादाद में जो अफगान मुहाजरीन पर नजर रखना क्या मुमकिन है? देखिए, मैं पहले वो जो आपने पिछला सवाल था मुकम्मल नहीं किया, फिर कादर साहब आ गए तो आपने उनसे बातचीत शुरू कर दी। पहली बात तो ये कि मैं स्टेटमेंट वो जो आई है महमूद अचकज़ई साहब की उस पे मैं कमेंट करना चाहूँगा। देखें, अभी कादर साहब भी आए तो वो बड़ी आसानी से, चूंकि उनके वो हलीफ हैं, इत्तेहादी हैं, उन्होंने इस बात को गोल कर दिया क्योंकि वो अलायज हैं उनके वहाँ पर, ये और कमेंट के अलावा उन्होंने कहा, आम सी बात कर दी कि ये व्यू पॉइंट है। ये कैसा व्यू पॉइंट है? मैं समझता हूँ ये बड़ी संगीन किस्म की स्टेटमेंट है, ये कोई आम व्यू पॉइंट नहीं है। यानी इस मुल्क के शहरी होते हुए, पार्लियामेंटेरियन होते हुए, उनके अपने रिश्तेदार बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, ये सब इस मुल्क की देन है ना। अच्छा, फिर पाकिस्तान का स्टांस क्या है? यानी हमारा स्टैंड, कादिर साहब को ये भी कमेंट करना चाहिए था कि हुकूमत का जो स्टैंड है, अगर वो उसके उलट बात करें तो फिर भी वो उसको सपोर्ट करेंगे, जो रियासत का स्टैंड है उसके उलट बात करें तब भी उसको सपोर्ट करेंगे, उन लोगों के हाथ मजबूत करें जो वहाँ शह देते हैं इन चीज़ों को, जिसके तहत आपने देखा पिछले दिनों तोरखम बॉर्डर पर हमारे साथ क्या हुआ, वो यही वजह है ना, ड्यूरेंट लाइन का मसला है। ये 200 साल पुराना किस्सा है जिसकी वो बात कर रहे हैं। उसके बाद सिख आए, अंग्रेज आए, फिर पाकिस्तान बना, और इसके ऊपर हमारी हमारी जो है मुआहदात हैं जिसके तहत हमने ड्यूरेंट लाइन को माना कि हाँ ये बॉर्डर है, और उसके तहत बैन अलाक्वामी लेवल पर भी इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर माना जा चुका है। और फिर हामिद करज़ई साहब जैसे लोग, और उससे पहले दो चार हुकूमतें ऐसी आईं जिन्होंने ये झगड़ा खड़ा कर दिया। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो आप तो उन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं ना। यानी पहले हम हामिद करज़ई जैसे सदर को भुगतते रहे, अब इस तरह के हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इस तरह की अगर स्टेटमेंट्स देंगे तो पाकिस्तान का स्टांस, और फिर हम एक तरफ से बॉर्डर मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ये तो अफगानियों का इलाका है। यानी इससे बढ़ के भी कोई संगीन बयान आप दे सकते हैं? मैं समझता हूँ बजाय इसके समझते हैं कि वो वक्त आ गया है कि अगर काबुल की मर्जी के बगैर भी मुहाजिरीन को वापस भेजना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा, और ये इन चीज़ों से हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट देखिए, और ये बिल्कुल हम सब जानते हैं, ये पिछले दिनों एनडीएस का मामला देख लीजिए, बलूचिस्तान में उनका एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया, एक तरफ इंडिया का नेटवर्क पकड़ा गया कुलभूषण यादव, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का नेटवर्क पकड़ा गया। तो जो हालात इस वक्त हमारे पैदा हो गए, जिसके तहत पाकिस्तान इतनी मुश्किलात में घिर गया है,
तो हमने तो उनके साथ एक बड़ा अच्छा सलूक किया था, तो उसका नतीजा क्या ये निकलना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि हमें फैसला करना चाहिए और उनके साथ मिलकर ये बात करनी चाहिए कि अब हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अपने मुल्क में, जैसे कादर साहब ने ये बात ठीक की, उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर उनका स्टेटस महाजरीन का है, वो पाकिस्तान के शहरी कभी भी नहीं हो सकते। तो 3 दहाइयों से हम उन्हें लेकर बैठे हुए हैं, अब अफगानिस्तान वापस अपने नॉर्मल हालात की तरफ जा रहा है, वो उनको वापस लें। जो उनके मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, वो उनकी हुकूमत का फर्ज बनता है कि उनको हल करे, उनकी वजह से हमारे मसाइल में इजाफा ना करें, हमारी मुश्किलात में इजाफा ना करें। यानी हमें अपने मफादात को देखना है। और जहां तक इस तरह के बयानात हैं, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में बाकायदा अपोजिशन की तरफ से सवाल उठना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हुकूमत के जिम्मेदार अफराद उठ के खड़े हों और कहें जी एक उनका व्यू पॉइंट है और इसको लाइटली आप लें। वहां सवाल होना चाहिए कि आपने क्या मुल्क के जो मफाद हैं उसको मद्देनजर रखा, जो हमारा स्टैंड है उसको मद्देनजर रखा। अब ये जो इन्होंने बात की है, इसको दूसरी दुनिया कोट करना शुरू कर देगी, तो आपकी पोजीशन वीक हुई ना। क्या इसका मतलब मगरिब के खर्चा दुरुस्त हैं कि अगर इन बॉर्डर मैनेजमेंट को वापस ना भेजा गया तो शायद ये मगरिब का रुख कर लें? और दूसरा तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अगर अफगान मुहाजरीन को जबरदस्ती वापस भेजने की कोशिश की, तो वो मुहाजरीन जिन्हें हमने 30-35 साल जिनकी मेजबानी की है, जिन्हें बाइज्जत तरीके से यहाँ पर रखा है, कहीं वो कल को हमारे दुश्मन ना बन जाए। इस पर भी बात करेंगे, एक छोटे से वक्त हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर इलाली साहब, मगरिब में ये आखिर खदशात क्यों पैदा हो रहे हैं कि अफगान मुहाजरीन को अगर दोबारा वापस अफगानिस्तान ना भेजा गया तो वो मगरिब का रुख कर लेंगे? हाँ बिल्कुल है, मगरिब का रुख वो क्या करेंगे। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी जिधर सिचुएशन बहुत बेहतर है पाकिस्तान में, वो भी जा रहे हैं मगरिब को। हाँ ये उनका सेल्फिश एक रीज़न हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ जी कि हमें ये सोचना और ये बात करना कि पॉसिबली हम किसी को रिपैट्रिएट करेंगे और ख़ास तौर अफगान, तो ये जो आपने बात कहा था ना कि हम दुश्मनी फिर उनकी खरीदेंगे, मेरे ख्याल में ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगा अगर हमने ये किया, ये मान जाना चाहिए। मगर साथ साथ हमें ये देखिए, अब UNHCR ने अलाउंस फॉर रिपैट्रिएशन $200 से $400 किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। 58,000 लोग अगले साल वापस गए थे, अफगान रेफ्यूजीज 58,000 वापस गए थे, 60,000 के लगभग। इस साल सुना है सिर्फ 3,800 जाना चाहते हैं, हालांकि ये पैसे बढ़ गए इसलिए कि जी देखिए क्या करेंगे आप उनको उधर भेज के, उनके पास ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना नौकरी है, उनके लिए तो एक किस्म का डेथ सेंटेंस है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि कितना जल्दी हमें अमन ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे पास इतने मसाइल हैं जो हम उन लोगों को पूरा कर सकें, खासकर केपीको को देखें आप, केपीको को ज्यादा खर्चा हमारे पास वसाइल नहीं, सही कह रही हैं आप, मगर हमारे पास वसाइल नहीं है, मगर इतना स्टॉक चॉइस तो नहीं है कि हमारे लोग मर रहे हैं और उनके लोग मर रहे हैं और हम उनके लोगों को कह रहे हैं मरो ठीक है, ये इतना स्टॉक चॉइस नहीं है। और पूरी दुनिया को कन्विंस करना कि ये लोग जो अगर वो उनको हम जो उनको फेंक रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, अगर ये हम करें तो उनको क्या उनका हालत होगा। देखिए ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या करते हैं, उनको ड्राउन करने देते हैं मेडिटेरेनियन में। एक जमाने में कहते थे हाँ लेट देम ड्राउन, डूबने दो उनको जो आ रहे हैं, मगर क्या रिएक्शन हुआ मुल्क के अंदर, क्या रिएक्शन हुआ यूरोप में। अब उनको वो पना देते हैं, उनको वो रेस्क्यू करते हैं, उनको डिस्करेज जरूर करते हैं मगर रेस्क्यू करते हैं और हाउस करते हैं और फीड करते हैं। ये तो इनह्यूमन है। आखिर कब तक, सवाल तो ये है जफर हिलाली साहब, आखिर कब तक? जितने भी रेफ्यूजीज हैं इन्हें एक ना एक दिन तो अपने वतन वापस जाना ही होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और मेरे ख्याल में उस वक्त तक ये मामला होगा अफगानिस्तान में जब तक अमेरिकन अपने 10,000 लोगों को वापस ना निकालें और जब तक अफगानिस्तान में एज दे कहते हैं
अंग्रेजी में लेट द डस्ट सेटल वेयर इट विल, माने कि अफगानिस्तान में मसला हल क्या है? मसला हल ये नहीं है कि अमेरिका से आप लोगों को ले आए, 10,000 ट्रूप्स अपने रखें और पूरी और फॉर एवर वो मुल्क अनस्टेबल रहे, बिकॉज इसलिए जब तक वो अमेरिकन उधर होंगे इधर कोई पीस नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें सोचना चाहिए कि हमारी भी पॉलिसी जो है ना, ये कहते हैं कि हम इसके साथ लड़ेंगे अमेरिकन के कहने पे उसके साथ लड़ेंगे, गलत पॉलिसी है। हम वो पॉलिसी को इख्तियार करना चाहिए जो जल्द से जल्द उधर फैसला हो और अमन आए। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते तालिबान को, मगर अगर तालिबान के पास इतनी कुव्वत है कि वो अफगानिस्तान में अपनी हुक्म लगा सकते हैं तो व्हाई शुड वी स्टॉप इट? हम क्यों रोकें? शाहिद लतीफ साहब, इस टॉपिक के हवाले से मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या आखिर अफगान हुकूमत अफगान मुहाजरीन को वापस ले जाने में संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही जबकि पाकिस्तान की कमिटमेंट 2009 से शुरू हो चुकी है? देखें, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि उनके हालात भी ऐसे नहीं हैं कि इन लोगों को वो वहाँ एब्जॉर्ब कर सकें और इन लोगों को नौकरियां दे सकें। जो महाजरीन हैं उनको जब तक आप वहाँ सेटल नहीं कर सकते आप इनको ले जाकर क्या करेंगे? तो उनकी उनकी मुश्किलात अपनी जगह हैं, मगर हमने देखना यह है कि क्या अफगानिस्तान इन मुश्किलात को तय करने में हमारा साथ दे रहा है। आपको याद होगा कि जब अशरफ गनी ने हुकूमत टेक ओवर की तो शुरू शुरू में उनकी तरफ से जो सिग्नल्स आए वो तो बड़े पॉजिटिव थे, मस्बत थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगान मामलात जो हैं उनको सुलझाना चाहते हैं। मगर वक्त के साथ साथ क्या हुआ, हमने देखा कि अब वो फिर से जो इर्द गिर्द की कुव्वतें हैं उनके नरगे में आ चुके हैं और वो पाकिस्तान का साथ उस तरह देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने तो एक पहला राउंड भी करा दिया टॉक्स का, मुजाकरात का, जो कि अमरीका वहाँ 10 साल रहा और ना करवा सका। अब पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है? यानी अगर अफगान हुकूमत पाकिस्तान का साथ नहीं देती, अगर हम इस चीज़ में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं कि हम अफगानियों के साथ मिलकर उनके मुल्क के हालात में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं कि हालात वहाँ बेहतर हो जाएँ और तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए, हमने तो बाकायदा पहला राउंड भी करवा दिया। अब जब दूसरा राउंड इस जुलाई के एंड पे होने जा रहा था तो आपने देखा कि मुल्ला अख्तर को हलाक कर दिया गया। ये कौन, ये जी ड्रोन अटैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरह के मामलात होने लगें और हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको इस तरह डीरेल कर दिया जाए तो हम कहाँ जाएँ? तो हमारे तो शिकवे अफगान हुकूमत से भी बनते हैं ना, क्या वो सीरियस हैं हमें इन्वॉल्व करके मामलात को आगे ले जाने में? क्या अमेरिका इस मामले में सीरियस है? ये मामला पेचीदा है। मैं मानता हूं कि अफगान महाजरीन जो है वो यहाँ नहीं रह सकते, उन्हें हर सूरत जाना है, मगर जाने का तरीका भी हमें इस तरह का अपनाना होगा कि पूरी दुनिया हमें मलामत ना करे और भेजते हुए भी हमें ये ना हो कि जैसे हम उनको धकेल रहे हैं। आफ्टर ऑल 3 दहाइयाँ वो हमारे मेहमान रहे, हम एक तरीके से उनको भेजना चाहते हैं और उसमें अफगान हुकूमत का पाकिस्तान का साथ देना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान की हुकूमत हमारा साथ दे, हम उनके साथ कोऑपरेट करें। अमेरिका का वहाँ वो रोल हरगिज़ नहीं बनता जिसके तहत जब भी मुज़ाकरात आगे चलने लगते हैं और वो उसको डीरेल कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको हल किया जाना चाहिए। हमें चीन को, रूस को, जो इस खत्ते की बहुत बड़ी ताकतें हैं, साथ में लाना चाहिए। इस खत्ते के मामलात हमें टेक ओवर करने चाहिए। अमेरिका इस खत्ते में वो रोल अदा नहीं कर सकता जो खत्ते की बड़ी ताकतें कर सकती हैं। दहशतगर्दी और इस खत्ते में जो इंतशार है वो चीन और रूस को भी अफेक्ट करता है। हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। हम ये सोल्यूशन ढूंढे, अफगानिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट करे, इंडिया और अमरीका के नरगे में आकर ये हालात अपने भी खराब अगर वो करना चाहे और हमारे साथ भी मजीद हालात बिगाड़ ले तो फिर तो अफगानिस्तान में अमन और रिश्ते काम नहीं आएगा। इंतजामिया नाकाम रही अफगानिस्तान में, डायरेक्टली उन्होंने एतराफ कर लिया कि अफगानिस्तान में अमरीका नाकाम हो गया, अमरीका को शिकस्त हो गई, तो इन्हें वापस नहीं चले जाना चाहिए वहां से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस बयान के ऊपर यह अलहदा बात है कि उन्होंने जो अगली बात की कि जी हमें वहां पे अब अपना कंसोलिडेट करना चाहिए, शायद वो ये बात करना चाह रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस वो रिपब्लिकन पार्टी है ना, तो वो उस सूरत में उस तरह का बयान जो वो दे रहे हैं उसकी नौयत इस तरह की है कि जैसे पेंटागन ने टेक ओवर कर लिया है और वहां पर और ट्रुप्स रखे जाएं, कंसोलिडेट किया जाए, वो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि ताकत के जरिए हम अपनी पावर को वहां कंसोलिडेट करें। वो इस तरह कह रहे हैं कि ओबामा की हुकूमत ये सारी चीजें करने में नाकाम रही। तो मैं उनके पार्ट टू से इत्तफाक नहीं करता। जहां तक पार्ट वन का ताल्लुक है, ओबामा जो एज प्रेसिडेंट और फिर इस वक्त
का चूंकि पेंटागन बीच में आ गई, तो मैं समझता हूं ये जो अटैक हुआ है ये पेंटागन और इंटेलिजेंस है जिसने मिलकर ये काम किया ताकि ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान करवाने जा रहा है इसमें कामयाबी ना हो। तो ये एक इस तरह की सियासत चल रही है, हमें इन सारी चीज़ों में मिलकर, जैसे मैंने कहा, चीन और रूस को साथ मिलाकर इस खित्ते के सोल्यूशन ढूंढने हैं, जिसके तहत मैं समझता हूँ कि अमन और इस्तेकाम अफगानिस्तान में आएगा, रिफ्यूजीज वापस जा सकेंगे, पाकिस्तान में अमन इस्तेकाम आएगा और यू इंडिया और अमरीका के जो अजायम हैं उनमें उनको नाकाम हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक लेने वक्त एक ब्रेक का वापस आते, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नरेंद्र मोदी का ये कहना कि पाकिस्तान में बैक वक्त कई ताकतें काम कर रही हैं, इसलिए मुज़ाकरात करते वक्त उन्हें देखना पड़ता है कि वो आखिर मुज़ाकरात किस से करें, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। ज़फ़र हिलाली साहब, क्या तासुर देने की कोशिश की है मोदी साहब ने? ये देखिए, इसके लिए, ये स्टेटमेंट के लिए तीन वजूहात हैं और इस स्टेटमेंट के तीन वजूहात देने के पहले मैं जल्दी से इसका हिस्ट्री देता हूँ। 1989 में जब राजीव गांधी इधर आया था, बीबी के साथ बैठ के उन्होंने सियाचिन पे एक अग्रीमेंट को इनिशियल किया था, साइन किया था। साइन करने के बाद बड़ी खुशी हुई सबको कि भाई सियाचिन मामला हल हो गया। जैसे वापस गया, इंडियन आर्मी ने इसे कहा कि ये आपने क्या किया है, और बीबी को उसको फ़ोन करके कहना पड़ा कि माफ़ करिए, मैं देखिए मैं जब वापस आया हूँ मेरी फ़ौज ने कहा है कि ये इसको बेकार है और वो इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं, तो माफ़ करिए मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये है हिंदुस्तान, ये है द ग्रेट डेमोक्रेसी, जिसका प्राइम मिनिस्टर आके साइन करता है मगर जब वापस जाता है फ़ौज कहती है इसको ख़त्म करो। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जब मुशर्रफ था, आपको याद होगा, वो कह रहे थे कि क्या फ़ायदा यार मुशर्रफ के साथ अग्रीमेंट करना, इसलिए कि वो अनइलेक्टेड आदमी है, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, क्या पता क्या होगा, बेहतर है हम एक इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट के लिए ठहरें। जब नवाज शरीफ साहब आ गए तो वो कहते हैं जी क्या फायदा ये सिविलियन गवर्नमेंट के साथ साइन करने, इनके पास कोई खास पावर नहीं है, तो क्या करें भाई, बैठे कब तक, एक और कू हुआ पाकिस्तान में। देखिए ये क्यों कर रहा है, मैं आपको बताता हूं, तीन रीजन है। पहला रीजन यह है कि पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है, कह रही है बात करो पाकिस्तान के साथ, क्यों नहीं तुम बात करते हो पाकिस्तान के साथ, सब मामले पे बात करो, खासकर कश्मीर। और ये कहता है नहीं, और खासकर सब मामले, व्हेन आई से ऑल आई मीन ऑल, तो उस पे भी बात करो, तो ये कहता है, ये उनको कहना चाहता है हाँ मगर मैं किससे बात करूं। एक दूसरी बात, इसके जो एक्चुअली इसके पीछे कौन है, मूडी के पीछे कौन है, मूडी के पीछे आरएसएस है, आरएसएस मेंटर्स हैं, ये जो लोग हैं जिनका ये पाँव पकड़ता है, पाँव पे गिरता है, ये कभी इलेक्ट नहीं हो सकते हिंदुस्तान में, मगर ये डोमिनेट और कंट्रोल करते हैं। जैसे ठाकरे जो था वो भी पूरे बंबई को वो कंट्रोल करता था। अब ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते अमन हो, ये समझते हैं पाकिस्तान इतना कमजोर है कि पाकिस्तान के साथ एंटी ऐसी पॉलिसी रख के हम शायद खत्म। और तीसरी वजह यह है उसके साथ कि जब बात करने के वक्त आएगा भाई किस पे बात करेंगे, हम कश्मीर पे भी तो बात करेंगे, इसलिए तो हमने कह दिया है कि बगैर कश्मीर कुछ नहीं, मगर जब कश्मीर पे बात आएगी तो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेरर की बात आ रही है, जो आज हो रहा है, कल हुआ, ये जो लोग मारे जा रहे हैं इनके हाथ से, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर बाय इंडिया, वो भी आगे आएगा, तो इनको सूट ही नहीं करता है कि हमारे साथ। इसका मतलब ये हुआ शाहिद लतीफ साहब मुज़ाकरात से भागने के लिए उज़र तराश रहा है भारत। जी बिल्कुल, देखें मुज़ाकरात जो हैं वो जब भी हमने शुरू किए, मुज़ाकरात को तोड़ने में पहल किसने की, इंडिया ने की ना, आप पूरी तारीख ले लें, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, कॉम्पोजिट डायलॉग जिसका नाम बदल के अब कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया, और उसमें उसकी जब भी इब्तदा हुई उसकी दरमियान में उसको रोकना, दरमियान में इस पूरे प्रोसेस को तोड़ देना, ये तो इंडिया ने किया, ये तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि वो मुज़ाकरात में इसलिए नहीं बैठना चाहते कि मुज़ाकरात में जो भी बातचीत होगी उसका उनके पास जवाब नहीं है। सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है, सियाचिन का मसला है,
पानी का मसला है, उसको हल करने के लिए वो तैयार नहीं। और ख़ासकर जो कश्मीर है वो तो हमने उसको कोर इशू डिक्लेयर किया हुआ है। उनकी पूरी तगोदौ ये है कि बस इन सारे मसाइल को साइड पे रखो और तजारत की बात करो, जिसके ज़रिए वो अपने फ़ायद ढूंढ रहे हैं। यानी उनको इधर से पैसे चाहिए कि किसी तरह वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुँच जाएँ। आज भी जो कुछ वो कर रहे हैं वो मतबादल तरीके अख्तियार कर रहे हैं। जो चाबहार में इतनी सारी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, इससे उनके अज़ाइम खुल के सामने आ गए ना कि उनका मकसद सिर्फ एक है। अगर अमेरिका भी वहां आया है तो वो भी एक मार्केट के तौर पे उनको इस्तेमाल करने के लिए आया है, उसमें उनका अपना फायदा है। और दूसरा फायदा उनका ये है कि इनको एक इतनी ताकत बना दी जाए कि काउंटर चाइना के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये दुनिया जो है ये अपने मफादात की दुनिया है। यानी अमरीका सबसे बड़ा जो कहता है कि सिर्फ मफादात मुस्तकिल है, पहले जो लाहौर आए थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के पास, तब फिर वो क्या करने आए थे, तब क्या लेने आए थे? देखें जी, ये सब दिखलावे की बातें हैं। बगल में छुरी मुंह पे राम राम, ये हिंदू मेंटेलिटी है, ये हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट तो इन्होंने खुल कर सरेआम अब सारी दुनिया के सामने रख दिया है ना। ये सेकुलर स्टेट वेट की बातें, उनके अपने लोग जो हैं वो बाहर निकल आए और निकल के उन्होंने अपने जो मेडल्स हैं वो रिटर्न करने के लिए एक मूव चला दी। ये क्या था? ये उनकी रिएक्शन थी, एहतजाज था। यानी वहाँ पे जो अकलियतें हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, आरएसएस जितनी इस वक्त एक्टिव है उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनकी पुष्ट पनाही की जाती है। हमारे जो कुछ पाकिस्तानी वन बाय वन वहाँ गए और उनके साथ जो वहाँ पे सलूक हुआ, कौन सी अकलियत है इस वक्त हिंदुस्तान में जो महफूज है? पूरी दुनिया इसका नोटिस ले रही है। तो ये चीज़ें वो हैं जिसके तहत इंडिया और ख़ासकर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो एक आइसोलेटेड पोजीशन में जा रहा था, ख़ासकर आज से कुछ 4-5 महीने पहले जब आपने देखा कि उसने लाहौर का दौरा किया। ये वही वक्त था, फिर से उनका डायलॉग याद आ गया। मगर जूँ ही हालात थोड़े से बेहतर हुए, आज आप देखिए पूरी दुनिया का वो टूर कर रहा है, आपके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, आपके दोस्त ममालिक, आपके हमसाया ममालिक में शमूलियत के लिए किया था जो उसका मकसद पूरा नहीं हो सका। जी, एनएसजी की भी शमूलियत है, फिर अमेरिका में खड़े होके फिर से दहशतगर्दी का डंडोरा पीटना, पाकिस्तान को याद कराना, अमेरिका फिर से डूम ओर की बातें उसने शुरू कर दी, हकानी ग्रुप और इस तरह की बातें। जबकि इससे पहले जब हमने नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन किया तो अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक की तरफ से हमें उसको एक्नॉलेज किया गया और कहा कि हमने ये बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया है। टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नफीस ज़िक्रिया साहब। मोदी साहब के बयान की हम बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आती है कि मुज़ाकरात किससे के साथ करें, क्योंकि पाकिस्तान में बयाकुत बहुत सी ताकतें काम कर रही हैं। आप समझ नहीं कि क्यों ये क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर भारत इस तरह की बात कर रहा है तो क्या ये मुज़ाकरात से भागने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैंने इस सिलसिले में अर्ज किया था अपने ब्रीफिंग में भी, आपको मैंने बताया था कि जी पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान में हम जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है वो मुंतखब गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है जी जी। और वो तमाम जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको डेमोक्रेसी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है गुड नेबरली रिलेशन, जिसके अंदर इंडिया को भी हम शामिल करते हैं, तो उसके हवाले से देखा जाए तो हमने काफ़ी एफर्ट्स की है अपने नेबर्स के साथ जो है तमाम तर तावन करने की और उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की और उनके साथ कोऑपरेशन के साथ चलने के लिए। लेकिन नेबर्स की तरफ से कभी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई? जी, मैं इससे बस ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारा जहाँ तक इंटेंशन है बिल्कुल साफ वाजह है, हमने अपने दरवाजे खुले रखे हमेशा। अगर इंडिया के हवाले से आप बात करते हैं तो हमने जो हमेशा कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो डायलॉग के लिए रेडी है, क्योंकि हम समझते हैं कि डायलॉग जो है वो वाहिद या वो बेहतरीन एक जरिया है जिसके जरिए तमाम मसाइल को मिलकर हल की जा सकते हैं। अच्छा, मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज सब कहते हैं कि हम जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी शामिल होती है, यानी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ ये तासुर क्यों उभरता है कि खारजा पॉलिसी पर हुकूमत और जो फौज है हमारे इस्टेब्लिशमेंट है ये एक सफ़े पर नहीं होती है? देखिए, आप अगर किसी दुनिया के किसी भी मुल्क को देख लें तो वहाँ की हर जगह ये खारजा पॉलिसी जो है उसके अंदर कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये एक नेशनल प्रोसेस होता है, क्योंकि इससे मुंसलिक ना सिर्फ ये है कि बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात होते हैं बल्कि आपके जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी लिंक्ड होते हैं।
तो इसी हवाले से, और फिर उसके अंदर कॉमर्स का एलिमेंट होता है, तो ख्वाजा पॉलिसी जो है वो खला में नहीं बनती है। उसके अंदर तमाम जो आपके इदारे हैं वो उनका बाकायदा जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी राय और उनकी जो इनपुट्स हैं वो शामिल होती है। ये कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है। खासकर अगर इंडिया के साथ रिलेशंस की बात की जाए तो तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफे पर मौजूद हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट और खासकर हुकूमत की बात की जाए। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि पहले भी कि इंडिया के साथ जो है, इंडिया समेत तमाम ममालिक के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने विजन का ऐलान भी किया था, और वो उसमें सबको जो है किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है कि इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें तमाम अपने नेबर्स के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात करने हैं, ताकि इस खत्ते की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, और इस खत्ते के जो लोग हैं उनके लिए बेहतरी, उनकी जो जिंदगी है उसके अंदर बेहतरी आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़िक्रिया साहब। ज़फ़र इलाली साहब, फिर ये तासुर क्यों उभरता है कि खारिज में हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है ये इनमें कंसेंसस नहीं होता, इनमें इत्तफाक राय नहीं पैदा हो पाता? देखिए, ये कहना हर वक्त कि हम सबसे अच्छी ताल्लुकात चाहते हैं, ये क्या नई बात है भाई, कौन नहीं चाहता सबसे अच्छी ताल्लुकात। ये कहना कि हम रीजनेबल हैं, देखिए सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। आप क्या ये स्टेटमेंट्स देख के क्या अचीव कर सकते हैं, कौन सुनता है आपको, कोई नहीं सुनता है, थक जाते हैं, खुद आपके जो अपने लोग हैं वो बोर हो जाते हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के यही स्टेटमेंट देंगे, और क्या सुनना चाहते हैं आप उनके मुंह से? मैं 38 साल रहा हूँ वज़ारत ख़ारिजा को, और वज़ारत ख़ारिजा में इस किस्म के जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो कोई नहीं सुनता, खुद जो वज़ारत ख़ारिजा के लोग हैं वो भी नहीं सुनते हैं। देखिए अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका और ओबामा ने इंडिया को नंबर वन प्राइज बनाया है, स्ट्रेटेजिक एलाई, पार्टनर, मेजर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो, अमेरिका और ओबामा ने ये मोदी को इनकरेज कर रहे हैं। मोदी कहता है मुझे न्यूक्लियर फ्यूल दो और मैं कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेता हूं, वो कहते हैं ये लो, मुझे मिसाइल टेक्नोलॉजी दो और मैं कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेता हूं कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी मैं कैसे इस्तेमाल करूं, वो कहते हैं ये ले लो भाई, हमारे से एटॉमिक रिएक्टर्स खरीदते रहो और हम और तुम हर चीज करेंगे, इसराइल के साथ कोऑपरेट करेंगे, पाकिस्तान से 75% ट्रूप्स जो उनके हैं हमारे बॉर्डर पे हैं उनको बेहतर कर रहे हैं। देखिए आपका क्या काउंटर पॉलिसी है, अब चीन 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 आप कहते रहते हैं, चलो कुछ तो इंशाल्लाह आप डिलीवर करेंगे सीपैक से, सब लोग दुआ कर रहे हैं, मगर रूस के साथ आप क्या कर रहे हैं, तुर्की के साथ आप क्या कर रहे हैं, और कितनी आप कोशिश कर रहे हैं और मुल्कों के साथ के आप एक काउंटर अलायंस, एक काउंटर फोर्स बनाएं जो आप और उनको मिलके ये जो अमेरिका स्ट्रेटेजिक एक्सिस ऑफ ईविल जो बन गया है ओबामा का और इंडिया का आपके खिलाफ, इसको आप काउंटर करें। लेकिन इस खत्ते में जो ट्राई का बन रहा है, ये इनिशिएटिव्स थे अफगानिस्तान का और भारत का, शाहिद लतीफ साहब, क्या ऐसे में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं है? देखिए ये बात मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था, ये हमारी अपनी गलतियां हैं ना, कि हमारे जो हमसाए हैं उनको हमसे दूर कर दिया जाए, हम कहां बैठे हुए हैं, हम सो रहे हैं, यानी हम सिर्फ यही कहते रहे कि जी साजिशों का शिकार हैं, यानी उसकी आड़ में हम अपना काम ना करें, दाखली महाज पर हम फेलियर हैं, खारजी महाज पर हम फेलियर हैं, तो हम कौन सी सिमत है जिसके अंदर हम कहें कि हाँ जी हमारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जिस पर हम कम से कम सेटिस्फेक्शन का इजहार कर सकें। देखें ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको देखने की ज़रूरत है, अंदरूनी तौर पर हम चूँकि कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, यहाँ करप्शन है, इकॉनमी का मसला है बड़ी बुरी तरह हमारे सामने इस वक्त दरपेश है, और आजकल जो मईशत है वो नंबर वन प्रायोरिटी है, रूस जैसा मुल्क मईशत की वजह से टूट गया, इस वक्त वो कितनी बड़ी मिलिट्री पावर था, कितना बड़ा उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल था उस वक्त, तो देखना हमें ये है, हमें अंदर अपने गिरेबान में झांकना है कि हम अंदरूनी तौर पर दाखली महाज पर क्या अपना काम ठीक कर रहे हैं। अभी हम खारजी मामलात की बात कर रहे थे, बताइए कि इवन कोई बनाना रिपब्लिक इस दुनिया में किसी का नाम ले दें जहां आपके वजारत खारजा जो है वो बगैर वजीर के हो, और इस मुल्क में पिछले 3 साल से हर शख्स शोर मचा रहा है मगर हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही, क्या वजह है? हमारे मसाइल हैं ही ज्यादातर खारजी और दाखली भी हैं, मगर खारजी मसाइल ऐसे हैं कि जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसको ऊपर आप सोए रहें, क्या वजह है? हुकूमत आज तक को वजह नहीं बता सकी कि हमारे पास एक भरपूर कॉम्पिटेंट टीम खारजा के इलाके में क्यों नहीं है, वजारत जो है उसके ऊपर वजीर क्यों नहीं है, तो हमारे अपने मसाइल हैं,
जब तक हम इनको ठीक नहीं करते हमें, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें चीन जैसे मुल्क के साथ, जैसे अमेरिका भारत के साथ अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकता है तो हम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं रूस के साथ मिलाते, इसलिए ये दो मुल्क हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका, ज़फ़री लाली साहब ने, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।